बाल सही है, बाल इधर उधर करियो, अब सही है डैडी है के? अरे पूरा थोड़ी लगाता, हवा आती रहती है, जो छेद है ना इनमें भी हवा आती रहती है। नहीं, हेलमेट जे, जागी जे, अच्छा हाँ ये तो लगाऊंगा ही। हाँ। चलो आता हूँ मैं, 5 बजे मैं और जल्दी चल दूंगा। और कुछ तो नहीं चाहिए, मोबाइल तो ये रहा, चलता हूँ मैं। ठीक है ओके। तो भाई घर से निकलनी है ग्वालियर के लिए। अब ग्वालियर में जो हमारी अर्चना दीदी, गुड्डन दीदी जिनको कहते हैं, उनके घर से आगे रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लौंडे मुझे ऐसे हैरानी से देख रहे हैं, यहाँ पे इतने हैरानी से देख रहे हैं कि पता नहीं कौन अजूबा यहाँ पे आ गया है। बाइकर्स के लिए तो ये बून होता ही है कि कहीं से भी जगह बना के वो निकल ही जाते हैं। इस बंद पड़े हुए ट्रैफिक में बाइक से ये तो पॉसिबिलिटी बना ही लेंगे कि इसको क्रॉस करके जाया जा सके। ऑलमोस्ट अपन क्रॉस कर ही गए हैं, पता नहीं क्या ये ट्रैफिक पुलिस वाला कर रहा है। अब सीधे चले जाना है, आगे मुझे बादल दिख रहे हैं यार, आपको नज़र आ रहे हैं कैमरे में कि नहीं? मत कर माया पे अहकार और ना काया पे अभिमान, काया कांच सी कारी। लगता है आगे बारिश होने वाली है। बादल बहुत काले काले हैं, देखते हैं भाई अपन को तो चलते जाना है, बारिश हो चाहे कुछ भी हो चल रहा ही जिंदगी है। लौंडे देख रहे हैं यार, पता है यार इस एरिया में ना बहुत अनकॉमन है यहाँ पे कोई बाइकर राइडिंग जैकेट पहन के और हेलमेट, और हेलमेट तो मतलब स्पोर्टी हेलमेट, और एक एक्शन कैमरा लगा के अगर निकले तो लोग घूरते हैं, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा इंसान घूर रहा है। बट मेरे को अच्छा भी लग रहा है यार, क्या चलो थोड़ी इज्जत मिल रही है। अभी रुक के किसी से पूछ लूँगा भैया ये कहाँ है, तो थोड़ा अपना काम धंधा छोड़ के मुझे बताएगा। ओहो बारिश का यार बन रहा है पूरा, देखिए छुटकू को यार, बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा आप मेरे सवाल का एक जवाब दो, आपने दुनिया में कहीं बदसूरत बच्चा देखा? होता ही नहीं है। और खूबसूरत से खूबसूरत आदमी भी जो जवान है अपने अंदर एक कुरूपता लिए हुए है। इधर रुक लिया जाता है भैया, क्योंकि बारिश के पूरे पूरे आसार हैं। अब देखते हैं बारिश अगर तेज़ हो गई तो पता नहीं, वरना तो यहीं रुकते हैं। बारिश कम हो गई, अब सब लोग यहीं रुक गए। आगे देखो हुजूम लगा हुआ है लोगों का, अब मुझे लगता है बारिश तो रस्ते पर होती रहेगी, लेकिन अपन चलते हैं। यहाँ देखो कितना तांता लगा है लोगों का, पर बहुत से खुशनुमा हो गया यार, अब चलाने में मजा आएगा। वाइजर बंद कर लेते हैं। ये देखो भैया गायों का हुजूम लगा हुआ है, हुजूम। यार लगा था कि स्लो हो गई बारिश, अभी फिर तेज हो गई है। कहीं रुक लिया जाए क्या? देखता हूँ कहीं आगे रुक ही जाता हूँ, क्योंकि रेन लाइनर्स वगैरह तो कुछ पहने नहीं है, जो भी है यही है।
इसमें तो ये हो आठ लग जाड़ी है, और जैकेट भी मेरी लेदर की है यार, ख़राब हो जाएगी। गलत मौसम में गलत जैकेट पहन के आ गया मैं, आगे एक ढाबा टाइप कुछ देख रहा हूँ तो रुक जाता हूँ, वरना दो मिनट नहीं लगने पूरा गीला हो जाने में, पानी टपकने लग जाएगा शरीर से। अरे कम हो गई यहाँ पे, चलो चलते ही हैं फिर। मस्त मौसम हो गया लेकिन मज़ा आ रहा है यार, यहाँ तो बिल्कुल बंद हो गई बारिश, तो यहाँ तो हो ही नहीं है सिर्फ उतना ही बेल्ट में पानी था, तो यहाँ भी बूंदें स्टार्ट हो गई हैं। लो यहाँ भी तेज़ हो गया पानी, हाँ यहाँ रोड गीली है। यहाँ रुक जाऊँ क्या? नहीं यार, यहाँ तो छाता लगा के पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, आगे कहीं रुक ही जाऊँगा यार। बीच में एक पैच आया था उसी में बारिश नहीं हो रही थी, बाकी यहाँ तो झमाझम बारिश हो रही है भैया, और तेज़ हो गई है, कहीं रुक जाना सही होगा। हाँ यहाँ रुक जाता हूँ यार, आगे यहाँ तो पहले से इतनी भीड़ लगी हुई है। ये देखो भाई भीड़ ही भीड़, बारिश तो रुक रही है, नाम ही नहीं ले रही। ये देखो ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, क्या नाम है? शिव दीक्षित। तो आगे अगले वीडियो में तुम भी आओगे भाई? हाँ चलो मिलते हैं, ओके भाई। बहुत ज़ोर की बारिश हो गई यार, आप कुछ भी नया कंटेंट बनाना ना तो नया चैनल बनाना उसके लिए, और शुरुआत में यूट्यूब ना 5-6 वीडियो डालोगे ना तो एक वीडियो पॉपुलर कर देगा गारंटी है, फिर डाउन कर देगा, फिर देखेगा कि तुम डाल रहे हो एक महीने तक, फिर कर देगा। अब इतने सारे लोगों का तांता लगा हुआ था यहाँ पे यार, बेचारे जाए तो जाए कहाँ। बारिश तो उतनी की उतनी है, यहाँ रुक जाता हूँ यार। आगे कहीं खड़ा हूँ यार, बहुत तेज बारिश है, अब नहीं रुक रहा है यार, अब तो कम हो गई है। मत कर माया पे अहकार और ना काया पे अभिमान, काया काच सीकारी। हाय हाय बहुत मज़े आ रहा है यार, अब मौसम थोड़ा सही हो गया यार, अब बारिश ना हो यार। देखो जब अपन घर पे बैठे रहते हैं तब उनको लगता है बारिश हो जाए, और जब अपन बाहर होते हैं और ऐसी मुश्किलों में फंसे होते हैं तो लगता है कि बारिश रुक जाए, अलग अलग सिनेरियो से। लेकिन बारिश तो होनी चाहिए भैया, यहाँ इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है, तो बारिश हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, हम तो कहीं खड़े हो जाएंगे, हम तो एडजस्ट कर लेंगे, घर जाके सूख जाएंगे, कपड़े ही तो हैं सूख जाएंगे, बट बारिश होनी चाहिए। लोग आएंगे लोग जाएंगे पर ये देश रहना चाहिए, ऐसे ये लोग आएंगे लोग जाएंगे पर बारिश होती रहनी चाहिए। ये देखो ये आ गया भैया महंगाओं, ये भिंड में आता है ये एरिया भाई, बारिश की वजह से कम 50% ट्रैफिक ऑफ द रोड हैज रिड्यूस्ड। ये रहा भैया महंगाओं का चौराहा, इसके ऊपर ने क्रॉस कर लिया है, अब इसके बाद आएगा गोहद, भिंड से ग्वालियर जाओ और गोहद आ जाए तो सोच रहा आधी दूरी तो आपकी तय हो गई है, अब इतनी ही दूरी और आपको तय करनी, तो अभी तो महंगा हुआ है तो अपनी 25% जो दूरी है वो कंप्लीट हो गई है, बाकी की 75% दूरी जो है वो बची हुई है। बीच में बारिश हो गई नहीं तो अभी तो अपन गोहद तो क्रॉस कर ही जाते पॉसिबली, हाँ क्योंकि ग्वालियर जो भिंड से है वो मात्र 82 किलोमीटर है, तो कुछ भी नहीं होता यार, मतलब इतना तो आप 1.5 घंटे में कवर कर सकते हो, बट बारिश हो गई तो व्हाट वन कैन डू। भाई फ़ोन बजने लग गया यार, तो रुक के थोड़ा फ़ोन उठा लेते हैं। हाँ पापा, महंगा हो भयंकर,
रुक गया था फिर मैं बीच में, अभी थोड़ा सा रुका है, अभी रिमझिम रिमझिम हो रहा है। मैं साला लेदर की जैकेट पहने आया हूँ, लेदर क्या खराब हो जाती है बारिश में। बेचारे मेरे डैडी फोन कर रहे हैं। अब देखो इतना हल्का फुल्का तो गिरता रहेगा, अगर इसको भी मैं बारिश मान के चलूँगा तो फिर तो मैं जा लिया, इतना तो गिरेगा ही। अपन को चलते रहना पड़ेगा। ओहो यहाँ रोड सूखी हुई है कि मैं बारिश लेते हुए आ रहा हूँ क्या भाई? आगे आसमान भी बिल्कुल साफ है, क्या हो क्या रिया है? देखते हैं भाई, चलो अभी कोई बारिश नहीं है, मस्त चलते हैं। ऑल राइट फोक्स, तो ये गोहद चौराहा आ गया हमारा, बहुत ही जल्दी हम गोहद चौराहे पे आ गए हैं। ये कौन है भाई फौज में? अच्छा ऐसी कितनी गर्मी दिखा रहे हैं जबरदस्ती की। किसी भी आदमी से सभ्यता से बात करनी चाहिए, इतनी जोर जबरदस्ती गर्मी दिखाना ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। जितनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे आप होते हो उतनी ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है हम्बल होने की। गलत आदमी हाथ में जब पावर आ जाती है ना, वो फिर ये सोचता है कि अरे अब मैं इसका गलत ही इस्तेमाल करूँगा। है छोटू चले ना, इस बाइक का यही फ़ायदा मुझे अच्छा लगता है यार। अब हमेशा कहीं भी जाऊँगा एक बैग तो और रेन लाइनर्स मेरे हमेशा रखूँगा, चाहे बारिश का सीज़न हो या ना हो। रेन लाइनर्स, एक एक्स्ट्रा ट्यूब, क्योंकि सुबह मेरा टायर पंक्चर था फिर मैं पंक्चर बनवाने गया। ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। आपकी राइड में कोई बहुत लंबे टाइम की बाधा ना आ जाए जिससे आपका सफ़र 2-3 घंटे के लिए अफेक्ट हो जाए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अगर रेल लाइनर्स होते तो मैं चला जाता सिंपली बारिश को चीरते हुए बिना भीगे। झूठ भला क्यों बोलोगे तुम? कितनी गाय है यार, कितनी गाय। यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है, हल्के हल्के बादल है, बस बारिश का कोई आसार नहीं लग रहा है। जो होना था पीछे बीत गया। देखो यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ियों का, ये देखिए। सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए भैया, देख के होशो आवाज में। अगर आपको ऐसा लगे कि भैया होशो आवाज गुम होने लगे तो कहीं रुक जाओ, चाय वाय पीते हो तो चाय वाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, उसके बाद फिर पूरे इत्मीनान से चलाओ। क्योंकि देखो रोड पे निकले हो तो ख़तरा तो है ही, लेकिन ख़तरे की ज़िंदगी में थोड़े ज़िंदा महसूस होने का एहसास होता है। ये तो है, घर में आराम से रात को ताला मार के सो जाओ और रोज़ ऐसी ज़िंदगी जियो तो बेकार ही है ना यार, फिर जीने का मतलब ही क्या है? हम 70-80 साल के लिए इस प्लेनेट पे विजिट करने के लिए आए हैं, तो जिस काम में मन लग रहा है और मज़ा आ जाता है, स्ट्रेस बस्ट हो जाता है, वो काम तो करना ही चाहिए। बट थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ा सा होश संभाल के काम करेंगे तो हम जो कर रहे हैं उसका रिग्रेट हमें नहीं होगा ना कि यार एक मिनट के लिए मेरा ध्यान भटक गया था, अब मुझे दोबारा ध्यान भटकाने के लिए कभी परमिशन नहीं मिलेगी। ये देखो किसी ज़माने में इंडस्ट्री थी, अब खाक हो चुकी है, हर चीज़ को यहाँ खाक ही हो जाना। मैं आज इतना फिलोसोफर क्यों बन रहा हूँ मैं इसकी टाइम? ये मालनपुर एरिया है जहाँ आपको अगल बगल में इंडस्ट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, देखो एक तरफ ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं मालनपुर। ये एरिया भी भिंड में ही आता है पता है, और इस मालनपुर एरिया का बेचारा भिंड वालों का कोई फ़ायदा नहीं है। भिंड में अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है, वहाँ के नेता लोग बस क्या बताऊँ मैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाएगी अगर मैं आपको ये समझाने लगूँ कि यहाँ पे कितना करप्शन है। फ़ोन आ गया यार, किसका फ़ोन उठा लेते हैं, मेरी इंटरकॉम की बैटरी कम है ना। हाँ जी, हाँ जी, बस में आ गया मालनपुर, ठीक है वो चौराहे पे आना है पहले है ना।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके क्या लिख रही है मेरे बारे में यार? देख रहे हो, ये मेरी दोस्त है आरजे प्रतिभा। आरजे प्रतिभा सिटी अभी भी नाम लिखा हुआ है इसने। यार अपना हैंडल चेंज कर। ये देखो, थैंक यू जर्नी टू रूट्स। मैं देखो कहाँ जा रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ भी बारिश होने वाली है। चलो पहले चलते हैं, उसके बाद एक छलक अपने पर देख लेते हैं। मेरी एक और बहन है, उसको भी फ़ोन करूँगा मैं यार। मे बी शी इज इन ग्वालियर और मे बी नॉट। उसने मुझे कॉल तो अभी तक किया नहीं, वरना असल मेरी खबर तो ले ही लेती है मैं कहूँ। चलो भाई देखते हैं। हाँ, ट्रैफिक जाम से मुझे बहुत चिढ़ है, बट थैंक गॉड मैं बाइक से हूँ। हम तो सटासट यूं ही निकल जाएंगे जी, फकीर आदमियों की तरह। मम्मी है इधर स्पेस। आगे क्या है भाई? आगे क्या दीनदयाल नगर आगे है क्या? इतनी जल्दी तो नहीं होगा ये बोर्ड वोर्ड। क्रेटा माँ बर्बाद गाड़ी लगती मेरे को यार। सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा गंदे सस्पेंशन है इसके। पावर पावर तो एक नंबर है, लेकिन भाई क्या बताऊँ, इंडिया में इतनी क्रेटा गड़ा। हो सकता है कहीं क्रेटा वाले ओनर मुझे गाली भी बक दें इस वीडियो पे कि मेरे को कुछ नहीं पता, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैं आपको क्रेटा के ओनर से भी कंपैरिजन करवा सकता हूँ, जो सस्पेंशन के मामले में मेरी गाड़ी की बहुत तारीफ करता है। और VW के सस्पेंशन तो यार आपको मालूम ही है, बट क्रेटा के सस्पेंशन और क्रेटा के संग एक और जो गाड़ी है, क्रेटा की वैन है सेल्टॉस, सेल्टॉस के भी सस्पेंशन बहुत बेकार है। ये देखो कहाँ चला आ रहा है सांड, मेरे पहुँचने से पहले यहाँ तक आ जाएगा या मैं निकल लूँ? हाँ निकल लेता हूँ। दिल का अगर क्यों है बेताबी, मुझसे मुलाकात होनी है, शायद दिल का अरमा है, शायद यही बात होनी है। ओके अब ये आ गया भैया टोल, और जैसा कि हमें बाइकर तो बाइक का कोई टोल नहीं होता, हम सीधे निकल जाएंगे सर। ये गाय यार, इतनी सारी गाय है ना यार, इनकी वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये गवर्नमेंट यार इनके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रही है भाई? क्या सलूशन है गवर्नमेंट के पास ना रोड पे छोड़ने के अलावा? और इनकी जगह रोड पे तो नहीं है ना, अब मैं कुछ बोल दूंगा तो सबकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। क्या बोलूँ मैं यार, इस कंट्री में लोगों की भावना भी तो भैंस कीड़ा की तरह आहत होती है ना। और ये भावना आहत नहीं हो रही है जब रोड पे गाय बैठी है? गाय हमारी माता है, गोबर करना आता है, सिग्नल पर बैठे बैठे डंडे कोई लगाता है, अजी प्लास्टिक खा के जीती है, अजी गंदा पानी पीती है, सिग्नल पे बैठे 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 उसकी उम्रें बीती हैं। काहे मुझे बकरा बनाया, काहे मुझे भैंस बनाया, जिंद तार दी जो अगले जन्म मोहे गैया ही की जो। कितनी गाय कितने सांड देख के मेरी, हाँ समझ गए ना यार। देखो आपको एक सीन दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये देख रहे हो ये क्या है? मेरे मोबाइल का होल्डर एक साइड से टूटी गया है, ये देख रहे हो। और बीच में मुझे आवाज़ आई थी कुछ गिरने की, मैंने अपने शीशे में देखा भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मोबाइल का होल्डर टूट के गिर जाएगा। भाई अच्छा हुआ कि आज मेरा इंटरकॉम डिस्चार्ज है और मैंने मोबाइल यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, अदरवाइज़ मेरा मोबाइल यहाँ पे लगा होता है, मोबाइल मेरा धड़ाम से नीचे गिरता। और सोचिए मोबाइल का क्या हाल होता मेरे, उसके ऊपर से कोई गाड़ी भी गुजर के जा सकती थी। इसीलिए भाई सबसे मेरी यही गुजारिश है कि ये जो सस्ती चीज़ें हैं ना जो मैंने लगाई हुई हैं, 150-250 रुपये का ऐसे कुछ आया हुआ था, ये कभी ना लगाएं। ये तो मेरे को उस टाइम जब मैं ले रहा था सारी चीज़ें, उसी टाइम मैंने इसे ख़रीदा हुआ था, और तब से ये काम चल रहा था, तो मैंने कहा जब तक चलता है चलाते हैं, लेकिन देखो आज क्या हो गया। इसीलिए सस्ती मद्दी चीज़ें इन चीज़ों में नहीं लगानी चाहिए। अब मैं अपना आईफोन इसमें लगा रहा हूँ भाई, आईफोन 13, और आईफोन 13 का क्या हाल होगा इसमें आप सोच सकते हैं। और ये 250 रुपये की कंजूसी में करके, तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। अच्छा रहा कि मैं लकीली आज मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नहीं फंसाया हुआ था। अब मैं एक अच्छा सा प्रीमियम सा लूँगा कुछ अच्छी कंपनी का, और इसको तो भाई फुर्सत में हटाता हूँ मैं। और ये भैया एयरफोर्स एरिया पर हम ग्वालियर के आ गए हैं,
ये देखो ये क्या चले नहीं यार, लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ये बच्चों को इसमें से मुंडी निकाले खड़े कर देते हैं, अभी इमरजेंसी ब्रेक लगेगी और ये बच्चे देखो क्या इनकी हालत होगी, इनके ऊपर चालान क्यों नहीं होता भैया। हर इंसान अपनी कंट्री में सनरूफ लगवा रहा है, सनरूफ क्या इसके लिए होती है कि औलाद को इधर खड़ा कर सको। हद हो गई यार, लोग अपने इंडिया के नहायत ही गंवार हैं। अभी कुछ भी इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है, इस बच्चे की हालत के बारे में आप सोच सकते हो क्या होगा। जो गाड़ी के अंदर बिना सीट बेल्ट के बैठे रहते हैं ना, खुदा ना खास्ता वो भी कांच के अंदर घुस जाते हैं। तो इस बच्चे को तो बाहर मुंडी निकाल के खड़ा कर रखा है, ये बहुत ही गलत है। PGI का ये एक्शन 4 बहुत अच्छी फुटेज निकालता है यार, इसका स्टेबलाइजेशन रॉक स्टडी वाला बहुत अच्छा है यार। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई भाई कि फुटेज को मैं यूँ ऐसे ऐसे मुंडी घुमा के कर रहा हूँ और फुटेज कोई ख़राब आ रही हो, कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऐसे मैंने मुंडी टेढ़ी कर दी, ऐसे कर दिया, तो कई फुटेज टेढ़ी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं चला होगा मैंने अभी मुंडी टेढ़ी कर दी। थोड़ा आपको लगा होगा लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपना सर टेढ़ा किया था। GoPro से तो बहुत अच्छी क्वालिटी यार, हर गुने मुझे लग रहा है लोगों ने DJI वालों ने GoPro को एनालाइज़ किया होगा अच्छे से, फिर अपने प्रोडक्ट में वो सारे इंप्रूवमेंट करके उसको मार्केट में उतारा। GoPro का मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया भैया। जितने भी मैं क्रिएटर्स देख रहा हूँ यूट्यूब पे बाकी के, वो यार DJI की बहुत तारीफ़ करे पड़े, और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस जब तक नहीं ले लिया कि हाँ भाई सारे क्रिएटर्स पेड नहीं है, वो जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं उनका देख के मैंने भी DJI की तरफ में गया। और GoPro का एक्सपीरियंस मेरा है पास में, अभी मैं जब मंडी वाली ट्रिप पे गया था तो वहाँ एक मेरा दोस्त श्याम बोल, उसका मैंने GoPro यूज़ किया था, अच्छी फुटेज थी नो डाउट, मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लगी GoPro में, बट मैंने एक ही टाइम यूज़ किया था। और बाकी जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे उसमें बाकी सब लोगों का यही था कि यार इसमें हीटिंग इश्यू ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मेरा तो भैया ये DJI के एक्शन प्रो में जितनी भी जगह पे मैं गया मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि भाई मतलब मुझे इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई तो मुझे इसको थोड़ी देर के लिए कूल डाउन करना पड़ेगा, ना ही 3 बैटरी पैक आ रहा था बून है भैया। इसके जो बैटरी का केस चार्जिंग केस है वो होल्डिंग केस है, चार्जिंग केस नहीं है, मतलब अपने आप चार्ज नहीं करता, जब किसी पावर से उसे लगाओगे तो ही चार्ज करता है। जब मैंने कैमरा खरीदा मुझे पता क्या लगता था, केस में जब बैटरी रख देंगे तो चार्ज होती रहेगी, नहीं, केस में भी हमें किसी पावर बैंक से, जैसे जब भी चल रहे हैं तो पावर बैंक वगैरह में लगा के रख दिया तो वो चार्ज होता रहेगा। बट एक प्रॉपर तरीका है बैटरी को स्टोर करके रखने का, यहाँ रास्ते में आप उसे चार्ज कर सकते हो, GoPro के संग ऐसा नहीं है। और आपकी 2 बैटरी इसमें DJI एक्शन प्रो में हमेशा के लिए रेडी रहती है। तो आ गया भैया दीनदयाल नगर, यही हमें जाना है, लेकिन जीजा जी ने बताया है कि वो अभी अपने पुराने वाले घर पर हैं जो कि मेन रोड पर ही है, तो अपन वहाँ चलते हैं पहले और फिर वहाँ से जाएंगे। वरना ये ग्वालियर की जो DD नगर की कॉलोनी है बहुत अच्छी जगह है, देखो सिग्नल हो रखा है और लोग आगे निकलते जा रहे हैं, अपन थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। ऑल राइट, तो सिग्नल ग्रीन हो गया है, निकलते हैं अपन। दिस इज ग्वालियर, बहुत ही छोटी जर्नी थी अपनी आज, बहुत ही छोटी राइड थी भिंड टू ग्वालियर, ओनली 80 और 82 किलोमीटर्स, बट रास्ते में जो बारिश पड़ी हाँ, उसकी वजह से पूरा गीला हो गया था, अभी तो सूख गया हूँ। जीन्स वगैरह मेरा अभी भी थोड़ा गीला है जो पता चल रहा है मुझे। ऑल राइट, सिग्नल हो गया ग्रीन, चलते हैं। चलो भैया शिवम की गाड़ी वेन्यू, और फिर वो क्या सांप सूंघ गया है। नहीं जा पाए, हम सेकंड रह गए, कोई नहीं, वी आर नॉट इन एनी कॉम्पिटिशन। BMLA के एडमी सन कंपटीशन देता यार, अभी भैया बारिश के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खतरनाक बारिश होने वाली है अभी यहाँ पे भी। कोई नहीं, अपन ग्वालियर में थोड़ा इत्मीनान एतबार दर इंतकाब के साथ बैठेंगे, उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा, रक्षाबंधन मनाएंगे पहले तो। यार मेरी दीदी की जो बेटी है ना वो हम, मुझे पता नहीं चला, मैंने उसकी आज तक कोई भी क्रिएशन नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन गई है यार वो। मतलब होता है ना बच्चे अपनी प्रतिभा को एकदम से निखार देते हैं, कभी आपको पता ही नहीं चलता। अब मुझे उससे मिलने का बहुत मन है यार, अनुष्का नाम है उसका, मेरे को पता, सोचना पड़ा एक मिनट उसका नाम क्या है, तो छोटी कहते हैं। तो अनुष्का की आज बहुत सारी स्केचिंग करती है, पेंटिंग करती, मुझे तो यही नहीं पता, मधुबनी का कुछ नाम जिक्र आया था, शायद पेंटिंग ही करती होगी वो। चलते हमारे ये घर ऑलमोस्ट आ ही गया है, इधर चलेंगे और
फिर जाएंगे उनके घर। ये ले भैया, इनका घर तो आ गया। कहाँ है, कहाँ है? आ रहा हूँ। चलो भैया, आज की राइड होती कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।